चक दे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सिमी धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लिए अज दियां मुख खबरां। पहला नज़र मारदे हां दिल्ली किसानी संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आ किसानों नूं गुमराह कहण वालियां नूं मारियां करारी चपेड़ां, दिते ठोक ठोक जवाब। पंकज श्रीवास्तव ने मोदी सरकार नूं गल्लां चंगी चिटाई, धूल कैमरे सामने आ जड़ियां शब्दी चपेड़ां। गुरु दियां फौजां ने चारे पासिओं घेरी मोदी दी फोर्स, सिंघां ने फोर्स वाली जगह घेर लगाए लंगर। नौजवानों ने टिकड़ी बॉर्डर ते सड़क ते ही शुरू की खेती, दिल्ली दियां सड़कां ते उगेगा गोभी मूली धनिया, किसानों ने मंगवाए बीज पनीरी। किसानों सन्मान नूं लत मारन वाले डॉक्टर वरिंदर पाल सिंह दियां गल्लां ने मोया पूरे देश का दिल, कैमरे सामने आ कहीं वड्डियां गल्लां। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हां दे लीडर अते ने भगत लगातार कहिंदे नज़र आ रहे हैं कि किसानों नूं खेती बिलों नूं लै के गुमराह किया जा रहा है, पर हुण किसानी संघर्ष च जिवें पढ़े लिखे अते बुद्धिजीवी शमूलियत कर रहे हैं, उस तो पता लगता है कि किसान गुमराह नहीं होए बल्कि जागरूक होए ने अपने हक्कां दे लई, जिसकी जीवंदी जागदी मिसाल पैदा की सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने, जो किसानों नाल आ के खड़िया अते लोकां दे गुमराह करन वाले भुलेखे नूं दूर किया। सर, ये बताया जा रहा है कि कुछ किसान गुमराह होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग तो गुमराह नहीं है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, और किसान जो हैं वो क्या आपको लगता है गुमराह है? नहीं, आपने देखा नहीं कल किस तरह से किसानों ने जो 20 पेज का प्रस्ताव सरकार ने भेजा उसको पढ़ने के बाद जिस तरह से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आपको लगता है किसान गुमराह है? किसान गुमराह नहीं है, गुमराह करने की ये कोशिश ये सरकार कर रही है, और सरकार को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वही सच है या वही सही है या तुम जैसा मनवाना चाहोगे सब लोग वैसे ही मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अब सब कुछ सबके सामने है, किसान बहुत अच्छी तरह से यह समझ चुका है, ये किसान पहले ही सबको बर्बाद कर चुकी है, मजदूरों को बर्बाद कर दिया, श्रम कानूनों को खत्म करके, एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके, नौकरियों को खत्म करके, इस देश के बेरोजगार जो युवा हैं, युवाओं को खत्म कर दिया सरकार ने, महिलाओं की इज्जत आबरू दिन दहाड़े लूटी जाती है, रोज लूट रही है, आप समझ रहे हैं हर 3 मिनट में महिलाओं के साथ ये काम हो रहा है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार है, तो सब समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है, और जो जिस तरह से सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी को यहां आके लोगों के बीच में बैठ के एक बार आधा घंटे बैठ के इनकी बात सुने, और जब ये अपनी बात कह रहे तब ये कहें, इसे कहने में क्या दिक्कत है कि भाई ये जो कानून है कल सरकार ने ये माना है, ये बात स्वीकार करी है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने आपसे पूछ के जो है ये कदम नहीं बढ़ाया तो हमसे गलती हो गई, हमें जो आपसे पूछना चाहिए था आगे हम इस बात की कोशिश करेंगे, इसका मतलब यह कि सरकार अपनी गलती मान रही है कि उनसे गलती होगी। दूसरी बात, मेरी क्या दिक्कत है, मुझे क्या दुख है, मेरी पीड़ा क्या है, आप मेरे से जानना नहीं चाहोगे मेरी पीड़ा को? आप कह दोगे मैं तो दुख दर्द जानता हूं, क्या मैं आपका दुख दर्द जानता हूं, क्या इनका दुख दर्द जानता हूं, क्या इनका दुख दर्द जानता हूं? जब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा, जब तक मैं इनके करीब नहीं जाऊंगा, जब तक इनकी बात सुनूंगा नहीं, जब तक इनकी नब्ज देखूंगा नहीं, मुझे कैसे पता लगे कि सरकार ने कोशिश करी नहीं करी। तो जो मोदी जी कह रहे हैं या उनकी पूरी टीम के जो लोग कह रहे हैं कि हमने किसान के भले के लिए काम किया है, किसान के भले के लिए ना तो आज तक आपने किया और ना ही अब कर रहे हैं और ना ही आगे आप जीवन में किसान के भले के लिए कर सकते हैं। आप किसका भला कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इस देश के पूंजीपतियों का, इस देश के अंबानी और अडानी का। कभी किसान का हल कंधे पर लेकर या किसान के हल के साथ में खड़े होकर मोदी जी ने फोटो खिंचवाया, क्या उसका एडवर्टाइजमेंट किया कभी? जबकि अंबानी के जियो का, रिलायंस के जियो का मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया, और अंबानी पता कैसे यूं मोदी जी के कंधे पर हाथ रख के चलता, मतलब एक बिजनेसमैन की इतनी औकात, इतनी हिम्मत कि भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के चला, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से रिलायंस के मोदी जी स्वयं
किस तरह से मुकेश अंबानी और ऐसे उद्योगपतियों के कब्जे में है, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे सोचो जरा, एक व्यक्ति हजारों करोड़ का महल उसने बना रखा, उसमें रहता है, स्वयं मोदी जी एक मिनट में मोदी जी के प्रचार के लिए, आप समझ रहे हैं, मैं कुछ चीजें ऐसी बताना, मोदी जी का चेहरा दिखाने के लिए इस देश में 2014 से लेकर अब तक एक मिनट में 2,00,000 रुपए खर्च होते हैं। एक मिनट में जो विज्ञापन मोदी जी के लिए होता है, एक मिनट में 2,00,000 रुपए खर्च होते हैं, मतलब पूरे दिन में 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और इस देश के जो 17 राज्य हैं, उन 17 राज्यों में किसानों की जो औसत आय है वो 15,000 रुपए सालाना से ज्यादा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लानतां तो पैंदियां देखियां होणगियां, पर जिस तरह दियां लानतां ते शब्द दी चपेड़ा पंकज श्रीवास्तव ने चकदी टीवी दे कैमरे सामने आके मारिया, वो सुन सोईयां जमीरां ते मोदी सरकार नूं शर्म आ जावेगी। देखो जरा तुसी भी एक झलक। सर स्वागत है, अभी तक के संघर्ष को कैसे देखते हैं? देखिए संघर्ष तो संघर्ष है, देश की आजादी की लड़ाई कोई एक दो दिन में नहीं खत्म हुई थी, तो ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो लड़नी होगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये सरकार, ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री की जो टोली है, ये अंबानी अडानी की दलाली कर रहा है। अगर ये सरकार देश की आवाम की सुना होता तो देश की आवाम के बारे में सोचा होता। इसे तो इसके पीछे जिसके जो चुनाव के खर्चे हैं ये सारे अंबानी अडानी देता है, तो उसके लिए काम करेगा? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने देश में जाति धर्म के नाम पर देश को गुलाम बनाया, ठीक उसी तरीके से ये उनके दलाल, ये उनके दलाली करते थे। ये लोग सावरकर के लोग हैं, इतिहास गवाह है, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद थे, उसमें अकेला सावरकर था। सावरकर का कोई गोरे अंग्रेज जीजा फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। देश जब आया अंग्रेज तो किसी को कोठी बना दिया, किसी को किसी राज का मालिक बना दिया, क्यों बनाता था, यहाँ शासन करता था। ये वही लोग हैं, उनके ही वंशज हैं। तो अभी क्यों पूछ रहे हैं उनको, भी तो पूछा जाता है। किसको? सावरकर को पूछते हैं ना। कौन पूछता है? बीजेपी के बाद बंदे बात कर रहा हूं ना। तो बीजेपी कौन है भाई? चोर तो चोर को पूछे। एक बात बताओ ना, बीजेपी कौन है? आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये सलामी ठोक रहे थे विक्टोरिया की, जब भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल कौन था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पंजाब प्रांत का अध्यक्ष था जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 121 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी, उसमें 93 सिख समुदाय से थे जिन्होंने फांसी को फंदे को चूमा, बतल के लिए चूमा ना क्या, जिस जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म खतरे में था, 51 किलो जनऊ तोड़े जा रहे थे, तो जब हमारी बहन बेटियों को बाहर के जो राजा महाराजा थे लूट के ले जाते थे, 12 बज गए, मतलब क्या था, लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम श्रद्धे की बात है, जब बाहर के सैनिक आम पब्लिकों के घर से ले जाता था तो ये रात में हमला करते थे, आवाज लगाते थे, 12 बज गए, मतलब क्या, उसका हथियार लूट लो, चंदी कदम सारे सोए रहते थे, हम उसको आसानी से मारते थे। ये वही कौम के लोग हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शीश दान किया, आप समझे, बलिदानी दी उनको, गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदानी दी, उन्होंने अपने बेटों की बलिदानी दी, तब जाके हिंदू धर्म बचा है। ये तो कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहन लिया, राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी से लाने से जैसे रोका वैसे कर रहे ये लोग। कौन है ये लोग? उनको वो कह, आप कह रहे हो ना बहादुर कौम है, इतिहास रहा है सिखों का कि उन्होंने बहादुरी के साथ हर जुल्म का सामना किया है, लेकिन जब मीटिंग होती है किसान जथेबंदियों के साथ तो वो कहते हैं अपने बीवी बच्चों को घर भेज दो, जबकि बहादुरी के साथ लड़ने के लिए जो इनसे लड़ रहे हैं वो 60 साल से भी ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे जो किसान नेता है। गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाइएगा वो दूध देगी, और सांप को कितना भी दूध पिला दीजिएगा तो जहर ही उगलेगा। ये सपोले हैं, ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, ये देश की आजादी को रोकना चाहते थे, आज भी ये देश को बर्बाद कर रहे, देश को बेच रहे, देश को गुलाम बना रहे, ये पापू के लोग हैं।
पिंड मनिहाला जयसिंह दे बाबा ज्ञान सिंह जी दे साथियों ने बड़ी होशियारी नाल मोदी दी फोर्स नू घेरा पाया ते फोर्स नू उत्थों पिछे हटना पिया। सिंघां ने उस जगह ते कब्जा करके लंगर लगा दिता। हैरानी वाली गल यह रही कि फोर्स नू पता नहीं चलिया कि कदों उन्हां नू घेरा पै गया। देखो पूरी खबर। पुलिस नू पता नहीं लगन दिता, पुलिस वेख के हैरान रह गई भी इह किधरों आ गया। उसने यह सोचा भी सानू मतलब सानू घेरा पा लिया इन्होंने। तस्वीरां तुसी देखिया पर यह तस्वीरां थोड़ियां खास ने। खास इस करके कि मोदी साहब दी लगाई बॉर्डर ते सुरक्षा नु कन्नो कन्न खबर तक नहीं हुई कि कदों गुरु दियां फौजां ने उन्हां नु चारे पासों घेरा पा लिया अते जांदे ही लंगर लगा दिता, जिस तों बाद फोर्स दी टुकड़ियां अते पुलिस च हफरा तफरी मच गई। पर फोर्स पिछे हट गई, फौजां ने ट्रैक्टर ट्रालियां लगा उत्थे कब्जा कर लिया अते फोर्स डर पिछे हट गई। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। सारा धरना अगे लगा होया है। इत्थे पहला फौजी खड़े सीगे, मैं पहला जदों इत्थे आया सीगा फौजी खड़े सीगे, इत्थे उन्हां नूं पिछे करके इत्थे धरना लगा लिया गया। इस नूं किस तरह देखदे हो, भी एक बहादुरी वाली गल। इहदे विच वेखो जी, जो साडी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आ, इह साडे जो बहुत रणनीतिवान लीडर आ, साडे जो किसान मतलब लीडर आ, उन्हां दी इह दिमाग दे नाल उन्हां दे मतलब सारा कुछ उन्होंने पहला सारा ये वेख लिया जगह है। इतने बहुत ज्यादा पुलिस की फौज सी, असी दो तीन चार पांच ट्रैक्टर पिछे ही जो इतने आए हैं, अभी उस दे नाल सी। पुलिस वाले सारे पुलिस नूं पता नहीं लगन दिता, पुलिस वेख के हैरान रह गई भी ये किधरों आ गया। 90 ट्रैक्टर साड़ी तरन तारण अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जथेबंदी दे ही इतने आण के वह कहिंदा पुलिस एकदम सारी ऐ एकदम हो गई भी वह पिछे हरियाणे दे विच खड़ी ही अपना पिछला काफला, यह वेख्या भी इन्होंने आ गया। हाँ जी, दिल्ली दे विच इंटर हो गए। पुलिस ने यह सोचा भी सानू यह मतलब सानू घेरा पा लिया इन्होंने। अभी फिर उन्होंने कहा भी अभी तुहाडे नाल साडी कोई मतलब गलबात नहीं, अभी आपका मतलब जो भी संघर्ष करा बैठ के दरिया बिछा के अभी उदन का शांतमई साडा संघर्ष आ। केंद्र खेती कानून रद्द करने लिए तैयार नहीं ते किसान कानूनां नूं रद्द करवाए बिना दिल्ली तो वापस परतन लिए तैयार नहीं, जिसके चलद नौजवानों ने टिकरी बॉर्डर ते हाईवे ते बने डिवाइडर ते ही खेती करनी शुरू कर दी, जिसकी एक वीडियो पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल ने इंस्टाग्राम से शेयर कर लिखा कि हुण नहीं मुड़दे यार। देखो पूरी वीडियो। टिकरी बॉर्डर ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਮੇਥੇ, ਮੂਲੀਆਂ, ਮਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਾਣੀ? ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਯਾਰ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਵੇ ਲਾ ਲਈ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਰੋ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਪੀਰੋ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वरिंदर पाल सिंह ने किसानों के हक के खड़ते हुए उन्होंने खोजों के लिए मिले सन्मान को लत मार दी है। उन्होंने मीडिया के कैमरे सामने आके कहा कि मैं अजिहे सन्मान का की करना जो मेरे किसान वीर ही दुखी ने। होर की कहा उन्होंने, आओ देखते हैं। देखो, मैं मन भी तो मेरे सिगा कि भी साढ़े देश के जो हालात ने उन्हों की आवाज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए है। तो मैं इदा अवार्ड मोड़न बारे इदा नहीं सोचा, मैनू ये मन में यह सगा भी चलो
उत्थे अवार्ड जाके जां तां नहीं लवांगे मेल लिख देवांगे ते जां फिर लैके मैं वापसी ते जिहड़े किसान साडे बॉर्डर ते विचारे ठंड च बैठे आ जो मैनू पैसा मिलना मैं उत्थे उहनां दे लंगर दे विच पायावांगा। पर जो मैं बंगला साहब गया तो मैनू गुरबाणी ने अंदरों इन्नी ताकत दित्ती कि इस तरह नहीं तैनू मंच के उत्ते जाके गल करनी चाहिए, तेरे अंदर ये डर आया, तेरे अंदर एक भाव आया, तैनू ये प्रेरणा कर रहा है कि तू उत्थे चुप करके अवार्ड लिया तो जाके एक लख रुपया लंगर च पा दे। तो मैनू गुरु हरकृष्ण साहब ने बोल के दस्या, मेरे कन्नां विच आवाज़ां इस तरह गूंजियां भी जो संगत का लंगर है ना सरकार के लखां रुपया नाल नहीं चलता, ये इत्थे किसी का तोटा नहीं है, इस वेले लोड़ ये है कि सत्कार नाल सरकार नू सच की गल सुनाई जाए। गुरु नानक साहब का यह बोल है कि सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच की बेला। साढ़े देश में इन्ना मतलब कि यह डर का माहौल बनया है, कोई बंदा बोलना नहीं चाहता। तो असी उदा भगत सिंह का मनाने बर्थडे, असी ऊधम सिंह की शहीदी मनाने, करतार सिंह सराभे की मनाने, पर असी नहीं, साडा कोई नागरिक नहीं चाहता कि गल करा। सो मेरे अंदरों बस उत्थों बल मैनूं मिलिया कि उत्थे जाके सत्कार सहित उन्होंने गल दस दे भी तुसीं जो कर रहे हो किसानी दे हित विच नहीं कर रहे। तो मैनूं यह लग्या कि एक बहुत वड्डा समागम है, 800 तो वध विज्ञानी इस समागम में शिरकत कर रहे हैं, दुनिया के वक् वक् कोनों में बैठे हुए, तो उन्हां दी हाजिरी में ये गल कहण दा मतलब यह है कि एक विज्ञानी गल कर रहे हैं, विज्ञानी उन्हूं सुन रहे हैं, तो सारा देश का मीडिया और देश की सरकार इस गल नूं अहमियत दवे कि किसान बेचारे ठीक बोलते हैं, उन्हां दी गल नूं सुन के जिहड़े बिल ने इन्हां नूं पार्लीमेंट दे विच विड्रा कर लेना चाहिए। सर, सरकार ने सारियां मंगां जिहड़ियां ने तकरीबन मन लियां ने, देखो जी ये सरकारी मीडिया है जिहड़ा ये गल करदा कि गल्लां मन लईआं ने, किसान मूर्ख थोड़ा ने यार, रोज़ थोनू पद्मश्री मुड़ जांदा, अज अवार्ड मुड़ जांदा, ये बंदे मूर्ख तां नहीं हैगे। सो ये गल्लां ना करिए, एक हुंदा ना आपां दाणे छज च पा के छंडदे आं, तूड़ी बाहर कढ दिंदे आं, आपां तूड़ी नूं छज च पा के छंडी जांदे, उह च दाणे है ही नहीं, मतलब कि ये बिल्कुल गलत है। ये बिलों का विदड्रा होना ही देश के हितों के विच है, ये सानू लोलीपॉप दे के पढ़े लिखे लोगों देने की कोशिश कर रहे हैं, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। सरकार नू अपनी अड़ी छड़ के अपनी परजा की गल सुननी चाहिए। देखो वो उन्होंने हिपनोटाइज कर रहे हैं, उन्होंने गुमराह कर रहे हैं, सरकार उन्होंने गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पर जिहड़े बंदे दो महीने के घरों बाहर निकले हुए हैं अक्सर उन्होंने कुछ सोच के निकले ने, सरकार को यह समझ लेना चाहिए इस एजुटेशन ना तो कोई पोलीटिशन लड़ रहा तो ना ही कोई टैररिस्ट लड़ रहा, ये परजा की लड़ाई है, इनू परजा खुद लड़ती पई है। तो मैं किसान जथेबंदियों इस गल की वधाई दिना कि उन्होंने अज तक किसी भी सियासी आगू अपने मंच से खड़ा होने की आग्या नहीं दिती, तो जे वो इदा ही चलेंगे तो जरूर जितने, जे सियासी लोग वड़ गए तो इन्होंने थोड़ा लोलीपॉप दे के फिर चुप करा देना। इस सन हूँ तक दबर ताज़ तरीन खबर लैके फिर हाजिर होवे, उद तक मिले इजाजत, सत श्री अकाल।